दिक्कत आ रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं, किसान के लिए थोड़ा साथ देना ही जरूरी है, हम भी किसान हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बॉम्बे। बॉम्बे से क्या लग रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसानों की तरफ से ये ट्रेनें रोकी गई? जी नहीं, हम फुल समर्थन में किसानों का। देखो सबको अपने हक की बात तो करनी है और किसी ना किसी तरीके से करनी है। किसानों का साथ देते हैं आप? हाँ फिर अरे हिंदुस्तान में रहेंगे, किसानों के साथ नहीं देंगे तो वे किसी का साथ देंगे? आज आपको क्या लग रहा है जहाँ पे देख के जो किसान हैं ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी लग रहे हैं आप? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो हमारे सब भाई बहन भाई लोग हैं और हम इनके साथ खड़े हुए हैं। ये हूँ जी आ ट्रेन खड़ी आ, ये गुजरात तो आई आ, बाई लकीली में हूँ इतने खड़ा पढ़ कैसे गांधी धाम तो आई हुई आ, ये इन्हें कटड़े जाना आ। तो मैं तो कहना भी मोदी के स्टेट की स्टेट तो चली हुई आ, इन्हों मैसेज जाऊगा भी किसान जोड़े है शांतमई रहते हैं, भी अतवादी बैठे ने किड़े बैठे ने, मेरी की गल सुनो, इन्हों हूँ पता लगेगा। जिड़ा बंदा स्पष्ट गल करता सही गल चलता वो चाहे किसी भी पार्टी चंगा भी हो सकता, पर जोड़े लोग यह जी कोई चाल चलते हैं किसी भी पार्टी बैठे ने उन्होंने तो बचना चाहिए, तो ही साढ़ा कोई फायदा हो सकता। नहीं ये लोग ने कुछ चाहे भारत वर्ष के उत्ते 2,500 बंदा, चाहे साडे पंजाब की स्टेट आ छोटी जी ये 200 बंदा, इन्हों लोगों ने वार बार राज करना, यही लोगों असी सैप्ट करते हैं, यही लोगों पार्टियां टिकटा दिंदियां ने बार बार, यही लोगों असी झंडा चक के उन्होंने पिछे तुरते हैं। मैं समझा क्यों नहीं लोग अपने च चुनते, क्यों नहीं, क्या की गल साडे किसानां दे विच कोई इदां दी क्वालिटी नहीं है, की गल आम लोग ने जिहड़े उन्हां दे विच कोई क्वालिटी नहीं, उन्हां नूं नॉलेज नहीं है जिहड़ा सानू अज असी इन्हां लोगों के कुछ लोग बयान दिंदे ने बड़े बड़े लीडर भी आ देखो जी 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाता सानू दुख है, ठीक है माड़ी गल है, पर जिहड़ा साडा अधिकार है असी अपने अधिकार हाँ, साडे अधिकार कौन दूगा? देश के कानून के जे कुत्ते भी डंडा मार दे तो भी परचा दर्ज है, जे कोई दरख्त कट ले भी परचा दर्ज है, जे कोई बंदे ना झगड़ा हो जाए तो भी परचा दर्ज है, और आम बंदे तो नाल दी नाल पुलिस चढ़ के आ जाती है, पर देखो तुसी उत्थे शरेआम जिहड़ा कतल किया गया किसानों का, जिहड़े आराम नाल झंडे फट के तुरे जा रहे थी किसी के कोई मुखालफत नहीं कर रहे, पिछों गड्डी चढ़ाई गई, पर सानू अज बड़ा दुख है इस गल का भी कोई बीजेपी का लीडर और जिहड़ा टोला उत्थे बैठा कैबिनेट के विच समेत प्रधानमंत्री उन्होंने हजे तक दुख का इजहार भी नहीं किया। जिन्हां लोगों का पिछोकड़ बहुत क्रिमिनल है वो लोग जाके सिरे वाली कुर्सी पर बैठे ने, यात्रुआं दा यात्रू साढ़े भाई ने सारे, इन्हां दा कोई कसूर नहीं है, पर जब कि कॉल देती पहला तो मैं समझदा सफ़र भी नहीं करना चाहिए, जे कितें ट्रेन रुकती है तो सरकार नूं प्रबंध करना चाहिए, सरकार नूं दस्या है सरकार इन्हां दे लंगर पानी का प्रबंध करे, सरकार इन्हां नूं गड्डियां राही ट्रैक बंद ने, कारां राही बसां राही सरकार इन्हां नूं अपने इन्हां दे स्टेशन ते पहुँचावे, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार की गलती है। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल, मैं मनविंदर सिंह टिवाणा। असी फतेहगढ़ साहब की धरती ते खड़े हाँ, रेलवे स्टेशन फतेहगढ़ साहब, सो लखीमपुर खीरी यूपी दे विच जो 3 अक्तूबर नूं किसानां दे उत्ते संत किसानां दे उत्ते अजय मिश्रा केंद्रीय राज मंत्री दे बेटे वल्लों संजय मिश्रा वल्लों गड्डियां चढ़ा के किसानां नूं दरैड़िया गया, 4 किसानां दी मौत हुंदी आ, जिस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों ऐलान किया जाता है कि जिहड़े दोषी ने उन्हां ते बनदी प्रॉपर कार्रवाई की जाए, अजय मिश्रा टैणी जो कि केंद्रीय गृह राज मंत्री ने वो अपना अस्तीफा देन, जिसके चलदियां संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों ऐलान किया गया कि जे इस तरह नहीं करते सरकार इन्हां ते प्रॉपर कार्रवाई नहीं करती तां असीं जिहड़ा 18 अक्तूबर नूं ट्रेनां जाम करांगे, पटड़ियां ते कब्जे करांगे। सो अज 18 अक्तूबर असीं फतेहगढ़ साहब च खड़े हाँ, थोनू दिखा रहे हैं किसानों वालों ट्रेना ने जिहड़ियां वो रोक दित्तियां गईयां ने, ट्रेना का चक्का जाम आ जिहड़ा वो कर दिता गया है, ये ट्रेन है जिहड़ी हिमाचल तो आ रही सीगी, इत्थे यात्री ने विच असी गल करांगे जरूर, ट्रेना दे विच जिहड़े लोग ने उन्हां नाल भी गल करांगे की कहिंदे ने। सो थोनू दिखा रहे हैं तस्वीरां, ट्रेना ने जिहड़ियां वो रोक दित्तियां गईयां ने किसानों वालों, तकरीबन 6 घंटे का जिहड़ा जाम आ वो लगाया गया है, 6 घंटे जिहड़े रेलवे ट्रैक ने उन्होंने जाम किया गया है। सो यात्री ने जिहड़े ट्रेनों के बैठे ने कितना कितने जो देखा जाए दिक्कतां तो जरूर आउंदियां ने, पर किसानों दी मंगां ने जिहड़ियां वो भी जायज़ ने, साडे नाल बाऊ जी ने गल करांगे। हाँ जी बाऊ जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? किशन नेरुलकर, बॉम्बे से आया। बॉम्बे से किस तरह देख रहे हैं किसानों ने
जो ट्रेनों को जाम किया गया है, जो अजय मिश्रा हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर अशांत किसानों के ऊपर गाड़ी से उनको दरेड़ दिया, 4 किसानों की मौत हो गई, जिसके कारण प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो रही, इसके लिए आज जाम किया गया है, किस तरह देखते हैं आप? और अजय मिश्रा का गलत भाई बेटा ने किया है, उसे जाम किया अच्छा हो गया, और इसको सजा मिलना मांगते हैं जी। की लग रहे थोनू कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको, जहाँ पे ट्रेन रोकी गई है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती होगी, किसानों को किस तरह देखते हैं आप? दिक्कत आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं, किसान के लिए थोड़ा साथ देना ही जरूरी है, हम भी किसान हैं, किसान के लिए थोड़ा साथ देना जरूरी है। जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, ये सन बहू जी जो कि कह रहे हैं कि किसानों के लिए साथ देना जरूरी आ, होर भी साड़िया भैन ने जिहड़ियां इत्थे बैठियां ने। हाँ जी बहन जी नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है जी आपका? दीप्ति जयवंशी। कहाँ से आ रहे हैं आप? बॉम्बे। बॉम्बे से जी। क्या लग रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसानों की तरफ से, ये ट्रेनें रोकी गई हैं? जी नहीं, हम फुल समर्थन में किसानों का, जो उनके साथ हो रहा है गलत हो रहा है, उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। जी जी, क्या लग रहा है जहाँ पे 6 घंटे रुकना पड़ना है अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी खाने पीने की कोई? और जी नहीं नहीं कोई नहीं जी, थोड़ी बहुत आएगी लेकिन हम उनके साथ है, जो अन्नदाता है उनके साथ ही रहेंगे, वो उनकी मांगे पूरी होगी तो हमको अन्नदाता मिलेगा ना, इसलिए मिलेगा जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डिंपल शर्मा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर जी नहीं। सो ये जज्बे ने हर एक इंसान कह रहा है कि किसानों दी जिहड़ियां मंगां ने पूरियां होनियां चाहीदियां ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री ने अजय मिश्रा उन्हां दे जिहड़े बेटे वल्लों संजय मिश्रा वल्लों किसानों ते ट्रेनां चढ़ाईआं गईआं ने, उन्हां नूं बनदी कारवाई है जिहड़ी उन्हां ते होनी चाहीदी है, इंसाफ मिलना चाहीदा किसानों नूं। ज़्यादातर यात्री यही कह रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तुसीं देख रहे हो तस्वीर फतेहगढ़ साहब की धरती तो। सो ये ट्रेन है जिहड़ी जम्मू ले जा रही सीगी, यात्री ने बंबे तो दूरों दूरों जिहड़े बिच बैठे ने उन्हां दा यही कहना है कि असी किसानों का समर्थन करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमृत शर्मा। कहाँ से आए? सर बॉम्बे से। बॉम्बे से, क्या लग रहा है आज किसानों की तरफ से, जहाँ पे ट्रेनें रोकी गई हैं, चक्का जाम किया गया है, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर जी। क्या कहेंगे जो अजय मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके बेटे की तरफ से किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई, 4 किसानों की मौत हो गई, 1 पत्रकार की मौत हो गई, क्या लग रहा है उनके ऊपर कार्रवाई के लिए जो ट्रेनों का जाम किया गया है आज? क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? होनी चाहिए जी सर। जी जी। सो ये जज्बे ने ये लोगों के चाहे परेशान हो रहे ने इत्थे ट्रेनों च बैठे ने, इन्हों का यही कहना है कि जिहड़ा अजय मिश्रा है उसका बेटा है टैनी मिश्रा, उन्हां ते प्रॉपर बन दी कार्रवाई होनी चाहिए आ। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा नूं अस्तीफा देना चाहिए है, यही कहना है यात्रियों का भी ते किसानों का भी, यात्रियों का पूरा जिहड़ा साथ आ वो किसानों के नाल आ, किसानों वल्लों ट्रेनों ने जिहड़ियां वो रोकियां गईआं ने, तुसीं देख रहे हो तस्वीरां पंजाबी लोक चैनल ते फतेहगढ़ साहब तो। सो साढ़े नाल इत्थे किसान भी ने। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की नाम है जी अपना? गुरमेज सिंह जी। कितों जी आपां? ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਗੜਾਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਗੜਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਯਾਤਰੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਸਰਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਕਸਬਾ ਤਕੋਨੀਆਂ, ਤਕੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਮਿਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ,
हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम अरशद है। कहाँ से आ रहे हैं आप? बॉम्बे से आ रहे हैं। बॉम्बे से क्या लग रहा है, किसानों ने आज ट्रेनों का चक्का जाम किया है, रेलवे ट्रैक पे कब्जा कर लिया किसानों ने, क्या लग रहा है आपको? जी देखो, सबको अपने हक की बात तो करनी है और किसी ना किसी तरीके से करनी है जी। बहुत बड़ा शुक्र है कि ये जो भी हो रहा है सब पीसफुली हो रहा है जी, और आगे ऐसे ही पीसफुली चलते रहे जी। किसानों का साथ देते हैं आप? हाँ डेफिनेट। अरे हिंदुस्तान में रह के किसानों का साथ नहीं देंगे तो वे किसी का साथ देंगे? और आप, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ जी। आपको पता है आज क्यों रोकी गई है ट्रेनें, इसके बारे में नॉलेज है आपको? बस इतना हमें पता है कि ये ऑलरेडी इंटीमेटेड था जी कि आज के दिन सब जगह 10 से 4 तक ही सब बंद किया जाएगा। यूपी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है, उसके कारण आज ट्रेनें रोकी गई हैं। प्रॉपर जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए जो गृह मंत्री हैं अजय मिश्रा टैनी, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं किसान। क्या लग रहा है, इस्तीफा देना चाहिए उनको? इतना पॉलिटिक्स तो मेरे को नहीं पता है, और इस्तीफा तो ऐसा है ना कि अगर दे भी दे तो जो जिनकी जान गई क्या वो आने वाली है। उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी से 4 किसानों की मौत हो गई, एक पत्रकार की मौत हो गई, और उनका बेटा है जो अरेस्ट कर लिया गया। किसान बोल रहे हैं कि जो अजय मिश्रा टैनी हैं वो इस जो उनके हाथ में विभाग है जो जिन्होंने कार्रवाई करनी है उसके तो देख रेख उनके हाथ में है, वो क्यों प्रॉपर कार्रवाई नहीं होने दे रहे, इसलिए मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दें। वो मांग तो एकदम बराबर है, जो जुडिशियल सिस्टम है उसका अपना काम करना चाहिए, और उस और ये लॉ एंड ऑर्डर को सही से काम करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हटाना पड़ेगा जी। उन लोगों को जो कंट्रोल करते हैं, अगर उन्हीं का कोई ऐसा किसी और के साथ होता तो कोई चलने देता है? नहीं चलने देता जी। तो वैसे यहाँ पे भी बात तो सही है ना, हटाना तो सही है जी। और भी साढ़े नाल वीर ने जेड़े आए ने। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक शेख है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बॉम्बे से आ रहे हैं। बॉम्बे से। क्या लग रहा है, किसानों का साथ दे रहे हैं आप किसानों के तरफ से? आज 6 घंटे के लिए ट्रेनों को रोकने का काम है जो किया जा रहा है जी। हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं और हम चाहेंगे कि पीसफुली हो जो भी हो रहा है और जल्द से जल्द हो जो भी हो रहा है जी। बीजेपी को किस तरह देखते हैं? बीजेपी सरकार है जो हमेशा कहती है कि हम लोगों की अच्छाई के लिए हैं, लोगों का भला करते हैं, लग रहा है वो कोई भलाई का काम कर रहे हैं जी? ऐसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये किसी और के साथ होता तो ये जो हो रहा है ये ऐसा नहीं होता, ये कुछ और तरीके से होता और उनको उठा के पहले अंदर डाल दिया जाता, इस्तीफा भी हो जाता, हर चीज़ उनके हिसाब से हो जाता। लेकिन अब ये हमारे किसान भाई के लिए हुआ है तो ये जो उनको ऐसे ही खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं तो उस वजह से ये उन लोग अपना अगेंस्ट वाला काम कर रहे हैं, साथ वाला काम नहीं कर रहे हैं। आज आपको क्या लग रहा है, जहाँ पे देख के जो किसान हैं ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी लग रहे हैं आपको? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो हमारे सब भाई भाई लोग हैं और हम इनके साथ खड़े हुए हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बेशक, अभी नहीं, कभी नहीं, हम तो हमेशा इनके साथ हैं जी। धन्यवाद। सो ये वीर ने जेडे बम्बे तो आ रहे थे, इन्हों का कहना है कि किसान साढ़े भाई ने जो अत्तवादी खालिस्तानी तो इन्हों देश विरोधी ताकत वालों सिखाए हुए बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो किसान साढ़े भरा ने, किसानों के नाल हाँ, असं किसानों के हक चाह, साड़िया भैन भी ने जिड़िया बिच बैठिया ने ट्रेन दे, उन्हां नाल भी गल करांगे, वो किस तरह देखते ने। सो जो किसानों वालों अज ट्रेन रोकिया गई ने। हाँ जी भैन जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरे यार लो, नहीं किस तरह देखते हैं आप जो किसानों की तरफ से है ट्रेन रोकी गई है? सो गल नहीं कर रहे इधर। हाँ जी भैन जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? संगीता। क्या लग रहा है, आज किसानों की तरफ से ट्रेनें रोकी गई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किसानों का साथ देते हैं आप? हाँ देते क्यों नहीं, लेकिन वो दर्शन करने के लिए थोड़ा लेट हो रही है गाड़ी जी। लेट तो हो रहे हैं, पर किसान बोल रहे हैं कि जो दोषी हैं उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई हो, क्योंकि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, 4 किसानों की मौत हो गई यूपी में, आपको मालूम है? मालूम है जी जी। सो इन्हें कहना है कि असी किसानों का साथ दिने, सो किसानों का समर्थन करते हैं, किसान ने जेड़े बिल्कुल सही कर रहे हैं, किसानों उन्होंने हक मिलने चाहिए ने। तस्वीर ने सरहंद रेलवे स्टेशन दियाँ, सो किसानों नाल भी गल करांगे, किसानों का की कहना है। तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल ते किसानों वालों जिहड़ी ट्रेन आ वो रोक दित्ती गई है।
सो रेलवे ट्रैक ते किसानां वल्लों जिहड़ा धरना प्रदर्शन है वह किया जा रहा है। ट्रेनां रोक दित्तियां गईयां ने, जिन्हें भी यात्री ने जिन्हां नाल भी गल की आ हर कोई यही कह रहा असी समर्थन करदे आ, साथ दिंदे आ किसानां दा। किसान बिल्कुल सही मंगा मंग रहे ने, पीसफुली शांति तरीके दे नाल शांतमई तरीके दे नाल अपना प्रदर्शन है जिहड़ा वो कर रहे ने। सो किसानां नाल भी गल करांगे, किसान किस तरह देखते हैं, क्योंकि कितना कितने दिक्कत आ रही है यात्रियों, यात्री ने जड़े वह कितना कितने मुश्किलों का सामना तो कर रहे हैं। यात्रियों के लिए की प्रबंध किए गए ने ये भी गल करांगे। जड़े किसान ने उन्हां वल्लों जो धरने प्रदर्शन ने वो किए जा रहे हैं रेलवे ट्रैक पर, जिहड़े जामरे वो लगाए गए हैं। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी वीर जी, की नाम है जी अपना? परमजीत सिंह खमाड़ो, जिला जनरल सकत्तर भारतीय किसान यूनियन राजेवाल। किस तरह देखते हो जी अज रेलवे ट्रैक रोक के गए हैं, सरकार तो मंग की जा रही है कि अजय मिश्रा है जिहड़ा वो अस्तीफा दे, की लग रहा है सरकार ते किन्ना का असर होगा? देखो जी, जब तक मिश्रा जी अस्तीफा नहीं देंगे उदों तक जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिदा कल दूगा उसके फुल चढ़ाए जाएंगे, तो इदा ही जोड़े होर प्रोग्राम लिखे जाएंगे जो संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक जो दसणगे इस मुताबिक असं पूरे करते रहेंगे जी। तो अस्तीफे बिना होर कोई मंजूर नहीं है। लग नहीं रहा कितना कितने यात्रियों को दिक्कत आउंदियां होणगियां, क्योंकि जे रोडां ब्लॉक किया जाता है तो कितना कितने की कन्वर्ट होकर साइडां ते दी घूम के लोग लंघ जाते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है, पर रेलवे ट्रैक ने जिहड़े कितने घूम नहीं सकते, ट्रेनों च लोग बैठे ने, इन्हां नूं दिक्कतां भी आउंदियां होणगियां, इन्हां लई इत्थे रुकण दे लई प्रबंध कोई किया गया, इन्हां दे लंगर पानी का प्रबंध हो रहा? देखो जी, गल एक ये आ जिहड़ी केंद्र सरकार आ नादरशाही सरकार आ, ये तो आप बिल्कुल साफ कह सकते हैं। दूजी गल समझण वाली एक ये आ भी जिहड़े साडे यात्रु ने कम से कम इन्हां नूं भी पता लगना चाहिए भी केंद्र सरकार जी है वो धक्का कर रही है, ता करके किसान जोड़े है ट्रैकों पर बैठे ने। साडा देखो ये प्रोसैस जोड़ा है बिल्कुल शांतमई प्रोटेस्ट आ, असं शांतमई ही रखा। तो यू मेरी एक गल सुनो, जे हूँ जी आ ट्रेन खड़ी आ गुजरात तो आई आ, बाई लकीली मैं हूँ इतने खड़ा पढ़ लगे से गांधी धाम तो आई हुई है, ये कटड़े जाना आ। तो मैं तो कहना भी मोदी के स्टेट की स्टेट तो चली हुई आ, इन्हों मैसेज जाऊगा भी किसान जोड़े है शांतमई रेंगे ने, भी अतवादी बैठे ने किड़े बैठे ने, मेरी एक सुनो इन्हों हूँ पता लगेगा। सो जो सा प्रोसैस ये है प्रोटेस्ट है शांतमई चलूगा, तो जिदा केंद्र सरकार जिदा जिदा अपने अगे साढ़े तो धक्का करती रहेगी उदा कोई गल नहीं, असं भी सहम ना बैठे हैं जी। जिन्हें भी यात्रियों नाल साडी गल हुई आ ट्रेन च भी असं घूम के आए हैं, होर भी बाहर बैठे ने यात्री लिखड़े उन्होंने गल हुई आ, वो कह रहे हैं किसानों का जो प्रदर्शन आ बिल्कुल शांतमई है, बिल्कुल जायज़ आ, असं साथ दें। तो किसान भी इन्हों कोई सोचते होने लंगर के प्रबंध कोई किए गए? लंगर का प्रबंध है, जो मर्जी यात्री आके लंगर छक सकता है, थोड़े टाइम से लंगर पहुँच जाने ने, जो मर्जी यात्री आके लंगर छके, लंगर की कोई किसी की पाबंदी नहीं हैगी। वैसे भी गुरुआं के जोड़े लंगर ने वो किसी की पाबंदी होंगी नहीं हैगी जी। देखा जाए केंद्रीय गृह मंत्री ने अजय मिश्रा ने जोड़े की लग रहे हैं वो जी प्रोपर कार्रवाई आ संजय मिश्रा तो होने देंगे, क्योंकि जो तो रिमांड लता गया उन्होंने तीन दिन का रिमांड मिले तो कहा गया ये कोई सख्ती नहीं कर सकता, तो इतने जे निहंग सिंह का रिमांड लिता गया तो पूरी सख्ती पुछगिछ, तो जोड़ा समर्थन है वह भी जोड़ा आप अरैसट होए ने निहंग सिंह जाके, पर जोड़े इदा के बंद ने उन्होंने पहले नोटिस भेजा जाता है, कि लग रहा है कार्रवाई प्रोपर हो? देखो जी, लोगों के दबाव हेठ सरकार केंद्र सरकार कार्रवाई करनी पैनी है, ये कोई शक वाली गल नहीं हैगी। ये आ भी जो थोड़ा डिले होगा लेकिन इन्हों मनना पैना, असं अपन मंगा मना के हटाँगे जी। जी धन्यवाद जी। सो साढ़े नाल बाबा जी भी ने। हाँ जी बाबा जी, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। की नाम है जी अपना? बाबा रणजीत सिंह जी, गुरुद्वारा बौली साहब खमाणो जी। जी, तो बाकी जो परमजीत उन्होंने दसिया है जी भी जदों तक वो जो हादसा वापरिया लखीमपुर खीरी वो उन्होंने जो दोषी ने जो मंत्री ने जो तक अस्तीफा नहीं दे देंगे, उन्होंने जो लड़का जिन्होंने कांड किया किसानों के उत्ते गड्डी चढ़ाई है उन्होंने सज़ा नहीं हो जाती, कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, उन्ना चेर साडा संघर्ष जिहड़ा इस तरह ही जो संयुक्त मोर्चे दी उत्तों कॉल आउणगियां उत्तों जो हदायत आउणगियां उहदे मुताबक असीं इसे तरह ही चलते रहेंगे। इस तरह ही जो चाहे रेलां रोकण दा चाहे होर प्रोग्राम है चाहे 26 दा जिहड़ा लखनऊ दा प्रोग्राम महापंचायत दा वड्डा उत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ हो रहा, जिवें पिछे मुजफ्फरनगर बहुत बड़ा इकट्ठ होया, इस तरह ही लखनऊ बहुत बड़ा इकट्ठ हो रहा, उहदे विच भी सारियां जिहड़ियां जथेबंदियां ने जो किसान जथेबंदियां जां मजदूर जथेबंदियां ते होर भी सारे लोग उत्थे वध चढ़ के जा रहे ने। इस करके जिहड़ा प्रोग्राम है
ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਜੇ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਕਸਬਾ ਤਕੋਨੀਆ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੈੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਵਸਾ ਕੇ ਰੇਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਰੇਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭਾਲੋ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭਾਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰੇਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਾਪਸ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਆ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਟੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਬੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ BSF ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਡਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
है। सरकारां चाहे पहला राजाशाही राज चल रहे थे उस समय तो ला लो, चाहे अज दियां सरकारां ने मौजूदा सरकारां ने, इन्हां सरकारां दे जिहड़े उपरले नुमाइंदे ने इन्हां दा सारी जिहड़ी पब्लिक है इहनूं उन्हां दे हक खो के उन्हां नूं कुचल के इन्हां ने अपनी कुर्सी हासिल करनी हुंदी है। उसे तरीके ने इन्हां ने कुर्सियां हासिल करके भावें कि आम पब्लिक दियां वोटां नाल इह अपनियां कुर्सियां तक वड्डे वड्डे अहुदियां तक पहुँचे, पर अज मौजूदा स्थिति यह है भी पूरे भारत वर्ष के लोगों के जोड़े हक ने वो हक केंद्र सरकार खो रही है। और क्योंकि किसानी एक यहोजा साडा जिहड़ा धुरा है जिहदे नाल सारा देश चलता, सारे देश का सिस्टम चलता। अज कुछ जिहड़े कारपोरेट घराने ने वो सिस्टम नूं काबू करके जिहड़े आम लोग ने इन्हां नूं कुचलना चाहुंदे ने, इन्हां दे हक ने जिहड़े खोणा चाहुंदे ने। इसे लड़ी तहत मैं समझदा अज पंजाब दे नहीं बल्कि पूरे भारत देश दे लोकां दा जिहड़े कुछ लोग ने सरकारां दी आड़ दे विच, सरकारां इन्हां दी आड़ दे विच जिहड़ा साडे हक्कां नूं खो रहियां ने। और दूजे पासे जे असीं सरकारां जिहड़ियां देखदे आ चाहे हेठले पद्धर दीआं राज्यां दीआं सरकारां ने, मैं समझदा राज्यां दीआं सरकारां भी इन्हां सरकारां नाल रलियां होईयां ने। देखो तुसीं अज पिछले समय सानू यूरिया बिल्कुल नहीं मिलिया, यूरिए दे विच किसान बड़ा परेशान होया, किसान नूं महंगे पा यूरिया लैणा पिया, पंजाब दे किसान नूं हरियाणे तक जाणा पिया। और अज DAP दी पोजीशन यह है भी पंजाब दे विच किसे भी कॉपरेट सोसाइटी दे विच यूरिया DAP नहीं है, और DAP दे जिहड़ा 1200 दा थैला है अज वह ब्लैक के सू 1450-1400 रुपए थैले लुक छिप के रात को चोरी से किसान लैके आ रहे हैं। मैं समझदा ये दसो कि हुण चाल है, ये सारिया सरकारां ने जिहड़ियां किसी ना किसी तरीके जिहड़ा साडा किसानां दा एक कोऑपरेटिव सिस्टम है उस सिस्टम नू राज दीआं सरकारां केंद्र सरकारां उस सिस्टम नू तहस नहस करना चाहुंदियां ने। क्योंकि जिहड़े असीं कारपोरेट घराणे ने कारपोरेट घराणियां नाल असीं जिहड़ी लड़ाई है वो असीं आप कारपोरेट बन के असीं आप किसान इकट्ठे हो के ही लड़ सकते हैं, कल्ला कल्ला किसान नहीं लड़ सकता। सरकारां उस सिस्टम नूं भी तबाह कर रही ने। अज दी पोजीशन यह है अज पंजाब दे विच 3500 कोऑपरेटिव सोसाइटी जिहड़ी वर्किंग कर रही है, और उहदे विच 1200-1300 सोसाइटी है जिहड़ी उहदे विच कोई भी एक भी मुलाजम नहीं है जिहदे विच जिंदे लग गए ताले लग गए। अज असीं फतेहगढ़ साहब दीआं कुछ सोसाइटियां दे विच जा के आ जिथे 12 बजे भी ताले लगे हुए सीगे, जिथे सोसाइटियां नूं इह ताले लग गए, जिहड़ी सोसाइटी नाल हर किसान जुड़िया होया, जिहड़ी इक सोसाइटी दे विच हर किसान नूं सहूलत मिलदी है। मैं समझदा इह बड़ी वड्डी चाल है, ये जिहड़े साडे सिस्टम नूं तहस नहस करन दी चाल है इहनां दी, अपने कुछ लोगों नूं फायदा देण तक जिहड़े इह जिहड़ियां सरकारां ने कम कर रही ने। अज जिवें किसान जागरूक होया, किसान नूं पता लग गया भी मेरे बाद दे की फायदा, मेरा की नुकसान है, पर सरकारां अज एक साल हो गया किसानां नूं संघर्ष करदिआं नूं सरकारां अजे मन्नण नूं तैयार नहीं, क्योंकि सरकारां उहनां दी कठपुतलियां बणियां कुछ लोगों दीआं। और जिहड़े लोग ने ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਛ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2500 ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 200 ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 'ਚ ਚੁਣਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿਊ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਪਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 60-65 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 60-65 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਚੱਲੂਗਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੋਇਆ 585 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਆਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DR ਹੈ DM ਹੈ DDM ਨਵਾੜ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 1997 ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੋਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਫਸਰ ਲਾ ਲਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ MLA ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲੈਣਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੋ ਲਏ ਔਰ ਇਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਪਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚਾਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਲਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DAP ਤੇ DAP ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20% ਜਦੋਂ ਰੈਕ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਦ ਆਉਂਦਾ DAP ਯੂਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ 80% ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਵੀ 50% ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ 50% ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ DAP ਹੈ DAP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਥੈਲਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ DAP ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ MLA ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਈਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਥੈਲੇ DAP ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ 1 ਥੈਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਹੈ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਥੈਲੇ ਤੇ DAP ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 1.5 ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ DA ਉੱਤੇ ਯੂਰੀਆ ਪੈਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਊ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਘੜ ਲੋਕ ਨੇ 117 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੀਤੀਘੜ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਿੱਲ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਵੱਧੀ ਹਨੇਰਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ
अपने जिहड़े सरकारां दे विच नुमाइंदे ने अपने ढिड भर रहे ने, अपनियां परसेंटेजां कीतियां होईयां ने, अपने ही सिस्टम है। अज भी उही हालात ने, पिछले समय च भी उही हालात रहणगे, आने वाले समय च भी सानूं उम्मीद है भी जिस तरीके का सिस्टम है ये सुधरना बड़ा औखा जिन्ना चिर लोग जागरूक नहीं होंगे। जी जी जे देखा जाए लखीमपुर खीरी की गल की जाए अजय मिश्रा लगता है वो अस्तीफा देंगे क्योंकि सरकार है जी किसानों दी मंगा बड़िया ने मान नहीं रही, काफ़ी लंबे टमे समय तो किसान बैठे ने, कि लग रहा बन की कार्रवाई की जाऊगी? हूँ भी जदों उन्होंने अरैसट किया गया उस तो पहला नोटिस लगाए गए भई वह आके पुछगिछ लई आउण, ते जदों अरैसट हुंदा है ते तीन दिन का रिमांड दिंदा है कोर्ट, ते वह कहिंदा है कि सख्ती नहीं की जा सकती, जे कोई साडा फड़िया जाए तो कहिंदे ने सख्ती नाल पुछगिछ करो, उहदे नाल सख्ती नहीं की जा सकती, किधर नूं जांदा देश का कानून है। देश के कानून के जे कुत्ते भी डंडा मार दे तो भी परचा दर्ज है, जे कोई दरख्त कट लवे तो भी परचा दर्ज है, जे कोई बंदे नाल झगड़ा हो जाए तो भी परचा दर्ज है, और आम बंदे ते नाल दी नाल पुलिस चढ़ के आ जाती है। पर देखो तुसीं उत्थे शरेआम जिहड़ा कतल किया गया किसानां दा, जिहड़े आराम नाल झंडे फड़ के तुरे जा रहे थी, किसी के कोई मुखालपत नहीं थी कर रहे, पिछों गड्डी चढ़ाई गई। पर सानू अज बड़ा दुख है इस गल का भी कोई बीजेपी का लीडर और जिहड़ा टोला उत्थे बैठा कैबिनेट दे विच समेत प्रधानमंत्री, उन्होंने हजे तक दुख का इजहार भी नहीं किया भी चाहे देखो किसी पार्टी भी बंदे माड़े हो सकते हैं, हर पार्टी माड़े हो सकते हैं, जे उन्हें गलती की एड्डी बड़ी मिसटेक की एड्डा बड़ा कतलेआम किया तो इन्होंने हजे तक गलती भी नहीं मनी, नरेंद्र मोदी ने मूँह भी नहीं खोलिया हाले तक, ये बहुत माड़ी गल है। इतों ये प्रतीत हों भी वह देश का विरोधी है, उन्होंने कोई होर एजेंसी चला रही है, ये हिंदू भारत का मैं समझता है तो इसे इन्हें बासी भी नहीं मानते जिस तरीके ने वह साढ़े प्रति देशवासियों प्रति रवैया, चाहे किसी भी पार्टी कोई भी बंदा हो चाहे वह कोई मंत्री है, बिल्कुल वो खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए और तुरंत चक के उन्हों जिथे वो मुंडे तो अजय जिहड़ा पुछगिछ चल जारी है वो पर बाप में भी नाल दी नाल शह के उत्ते गड्डिया शह के उत्ते पुलिस लई वड्डी वड्डी गार्ड लई नाल लई फिरदा सीगा, उन्हों भी नाल दी नाल बर्खास्त करना चाहिए। जे कि जे नरेंद्र मोदी ये कहता भी मेरी कैबिनेट बड़ी साफ सुथरी है, मैं कैबिनेट के किसी किस्म का कोई भी गलती करता मैं उन्होंने बख्शूंगा ना, तो इदो वड्डी गलती की हो सकती है, सो उन्होंने तुरंत जिहड़ा बर्खास्त करना चाहिए साडी मंग है। जी ज़्यादातर लोग उत्थों दे कह रहे हैं कि इस तो पहला उन्हें एक भाषण दिता है, एक अनाउंसमेंट की कि मैं किसानों लखीमपुर तक ही पूरी यूपी छड़न लई मजबूर कर दूंगा, मेरा इतिहास जानते हैं, इस तो पहला मैं अगे जदों विधायक बनया उस तो पहला मैं की सीगा, लोगों गल गल की गई उत्थों के लोकल लोगों गल, उन्होंने दस्या कि गुंडा राज चलता है, यदा पहला लकड़ी चोरी करता रहा, इदा के जोड़े तत्थ ने सामने आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कह रहे मेरी कैबिनेट बहुत साफ सुथरी है, मैं कोई करप्ट बंदा रखे ही नहीं। देखो ये साडे इतिहास आ, साडे देश दा, ये साडे देश दा इतिहास आ, तुसीं झाती मारियो जिन्ने क्रिमिनल लोग ने, जिन्हां लोकां दा पिछोकड़ बहुत क्रिमिनल है, वो लोग जाके सिरे वाली कुर्सी ते बैठे ने, चाहे वह किसी भी पार्टी दे विच होवे, बड़े बड़े क्रिमिनल लोग ने जिहड़े जिन्होंने क्राइम करके पैसा इकट्ठा करिया, वो लोग जाके कुर्सियां दे उत्ते बैठे और उन्होंने राज पा कीता है, साड़ी बदकिस्मती ला लो, ये देश की त्रासदी ला लो, ये साडा भी ये कसूर है, असी लोग भी कितने ना कितने चाहे यूपी का कोई जित के आउंदा क्रिमिनल बंदा असी उन्हूं वोटां पाउंदे आ तां जितदा, और ये देखो तुसीं जे क्राइम करन वाले बंदे इस तरीके नाल बैठणगे कुर्सियां ते जाके जिवें क्राइम कर रहे ने, जां जिवें उत्थे होया, जां जिवें दी बयानबाजी कर रहे, देखो खट्टर ने बयानबाजी करी ए इन्हां दा जवाब दो असीं इन्हां दा जवाब देवांगे, जां उन्होंने यूपी दे विच गल करी असीं किसानां दा जिहड़ा इस तरीके नाल जिहड़ा कुचल दांगे किसानां नूं, ये देखो ये सारी सानूं अज सारा सिस्टम का जिहड़ा ये महसूस हो रहा भी ये साडे जिहड़े आम लोगों के विरोधी ने, इस करके अज लोग सारे यूपी दे विच भी किसान उठ चुके आ और सारे देश दे विचों किसान उठ खड़िया, वो किसान उठ के इसे करके उठिया क्योंकि जदों कोई ज़्यादा धक्का होने लग जाए, जदों लोगों की कितने सुनवाई ना हो फिर लोग झंडा चक के उठते हैं, अज इस करके लोग जोड़े देश के ने झंडा चक के उठे ने, और आने वाला समा तुम देखियो इन्हों लोगों कुर्सियों तो लोग तारनगे उन्ना चर लोग दम नहीं लेंदे जिन्ना चर इन्हों इन्हों कुर्सियों तो तार देनी। ज़्यादातर लखीमपुर खीरी का वाकया देख के ये कहा जाता है कि जल्हां वाला बाग याद कराता, उस तरह का जिहड़ा वाकया किया गया संत लोगों नूं दरैड़िया गया मारिया गया जो जनरल डायर ने किया सीगा, ते उदों चीज़ नूं देख के ऊधम सिंह उठिया सीगा, ऊधम सिंह दे अंदरों आवाज़ आई सीगी, उहने बदला लैण दी ठाणी सीगी कि साडे चों वी कोई ऊधम सिंह उठूगा, नहीं हुण तां देखो किसान सारे ऊधम सिंह बणे होए ने जी, अज तां सारे राजगुरु सुखदेव सारा किसान जिहड़ा बणिया होया, तुसीं देखो किड्डी बड़ी
कुरबानी है किसानों की। अज 10-11 महीने तो किसान उत्थे बैठे ने और अपना काम कर एक दिन नहीं कोई काम कर अपना हर एक बंदे दी जे आप किसी फोन करते हैं 10 मिनट वास्ते भी समा नहीं हुंदा तां उहदा भी कोई ना कोई अगे कहिंदा मैं अद्धे घंटे तक आया घंटे तक आया मैनूं अज कम है। अज 11-11 महीने हो गए किसान उत्थे बैठे ने। हुण तुसीं देखो लोग किसान ट्रैकों के उत्ते बैठे ने किसान किन्ना संघर्ष कर रहे हैं। सारे ही किसान ने जिहड़े अज उधम सिंह जिहड़े भगत सिंह बने हुए ने अज जिन्ना चिर हक नहीं मिलते उन्ना चिर किसान है जिहड़ा संघर्ष करता रहेगा। ट्रेना रोकी गई ने यात्री ने ट्रेना दे विच कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यात्रियों का की कहना है? यह सरकारां दीआं माड़ियां जिहड़ियां नीतियां ने जद किसानां ने अज तो 15 दिन पहला एक कॉल देती भी असीं 10 बजे तो लैके 4 बजे तक जिहड़ा ये ट्रैकों पर बैठना है जाम जिहड़ा लगना है सानू साडे राइट ने जिहड़े हक मिलने चाहिए ने। ये केंद्र सरकार ने सोचना सीगा भी केंद्र सरकार नूं उन्होंने ऐलान वैसे किया मैं कल न्यूज़ पढ़ी है भी 10 तो लैके 4 बजे तक ट्रेना जिहड़ियां बंद रहणगियां पर इन्हां दा सारा जिहड़ा प्रबंध है यात्रुओं का यात्रू साडे भाई ने सारे इन्हां दा कोई कसूर नहीं है। पर जद कॉल देती पहलां तां मैं समझदा सफ़र भी नहीं करना चाहिए जे कितें ट्रेन रुकती है तो सरकार को प्रबंध करना चाहिए सरकार को दस्या है सरकार इन्होंने लंगर पानी का प्रबंध करे सरकार इन्होंने गड्डिया राही ट्रैक बंद ने कारा राही बसा राही सरकार इन्होंने अपने इन्होंने स्टेशन पर पहुँचावे ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार की गलती है जी। जे सरकार इदा का नहीं करती किसानों वालों भी कोई प्रबंध किए गए किसानों वालों हमने प्रधान जी बैठ खड़े ने शारदा सिंह जी असं हमने गल करके हटे हैं लंगर का प्रबंध साडा गुरु साहब का सिद्धांत है लंगर पानी का प्रबंध देखो केलिया के लंगर किसान चला रहे हैं असी बिल्कुल इन्हों के जोड़े यात्रू आ भी गए खड़ गए असी पूरा इन्हों का प्रबंध जिथे जिन्ने के जोगे है इन्हों का पूरा खाण पीन का प्रबंध भुखे नहीं बनते करा जी जी धन्यवाद जी साढ़े प्रधान जी ने। हाँ जी की नाम है जी? शरदा सिंह नंबरदार पिंड हिमतगढ़ छन्न जी। की लग रही सेंटर सरकार दी नीतियां देख के क्योंकि बड़ा लंबा टाइम हो गया संघर्ष करद्या सेंटर सरकार है जी पर लगता तो है गड्डिया चाढ़न लग गए बयान देन लग गए कि डंडे चक लो लगता तो है कितना कितने हिलजुल हो पर उत्तों जिहड़ा रोखा उही दिखा रहे ने जदों बंदा बखलाट च आ जाए ना उदों फिर वो रूढ़ी हो जाता जिहनूं गड्डियां चढ़ाउण लग गए हैं यदा मतलब असीं सिरे ते पहुँचे पए हाँ इन्हां हर हालत साडी गल मन्नी पैणी है जदों बंदा मार मरीज ते आ जाए समझो उहदे सारे हीले मुक्क के गल करन दे ते उह इह साडे डराउणा चाहुंदे सी इहदे नाल साडे जिहड़े नौजवान बच्चे ने वो होर जागरूक हो गए हैं जिहड़ा साडा पहला पंजाब ते हरियाणे दी गल कर रहे सी हुण सारे इंडिया च तुहानूं अज रेल रोको अंदोलन जिहड़ा सारी इंडिया तक फैल चुका है ते इह अवश्य मोर्चा जितांगे जी जी धन्यवाद जी। सो ये तस्वीर ने सरहंद रेलवे स्टेशन दियां जिथे किसानों वालों ट्रेन रोकी गई है ट्रेन के जिहड़े यात्री ने ज़्यादातर यात्रियों का यही कहना है कि असी किसानों के नाल हाँ किसान साढ़े भाई ने जे किसान ने तो असी हाँ अन्नदाता के है किसानों यात्रियों ने भी यात्रियों का यही कहना है कि इन्हों दी मंगां ने जिहड़ियां सरकार नूं मन लैणियां चाहीदियां ने। किसानों का कहना है कि जदों तक अजय मिश्रा ते जिहड़ा संजय मिश्रा उन्हां दे बेटे ने उन्हां ते प्रोपर बण दी कारवाई नहीं की जाती है धरने प्रदर्शन इस तरह जारी रहेंगे जो भी संयुक्त मोर्चे का ऐलान होगा उस पर असी फुल चढ़ाते रहेंगे जो भी ऐलान होगा उदा के ही असी प्रदर्शन जिहड़े करते रहेंगे। सो ट्रेन रोकी गई है ट्रेन च लंगर पानी का प्रबंध भी पूरा किया गया किसानों वालों। सो जिहड़े केले ने फ्रूट ने वो परताए जा रहे हैं किसानों भी परताए जा रहे हैं रेल च जिहड़े बैठे यात्री ने उन्होंने भी परताए जा रहे हैं। सो असी थोनू पल पल की अपडेट देंदे रहेंगे तुसी देखते रहो पंजाबी लोक चैनल कैमरामैन प्रिंस के नाल मनविंदर सिंह टवाणा।